नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभय सिंह देव। बिहार के एक बाहुबली नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह की कहानी भी अनंत है। जी हां, जदयू से राजनीतिक में एंट्री लेने वाले अनंत सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के सबसे बड़े दुश्मन साबित होने वाले हैं। नीतीश कुमार की उंगली थामकर राजनीतिक में प्रवेश करने वाले अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाते रहे और उनके बेहद करीबी ललन सिंह के भी अनंत बेहद करीब रहे। लेकिन वक्त बदला तो रिश्तों में भी बदलाव आया। अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच रिश्ते तल्ख हुए। नीतीश कुमार से अनंत का मोह भंग हुआ तो एक बड़ा ऐलान सामने आया। ऐलान यह कि मुंगेर के लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे। रोजी को जमानत जब्त करा दे, यानी मन बना लें कि मुंगेर से लोकसभा मन बनाने के लिए कल तो जा रहे हैं। मन तो जमाना पहले बना लिए, कल मुंगेर जा रहे हैं। हाँ, बिहार की राजनीति में हलचल थी और अब भी है। हलचल इसलिए क्योंकि मुंगेर नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह का जदयू से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, तो मुकाबला दिलचस्प भी है और कांटे का भी। अनंत सिंह कल यानी 18 जनवरी से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वे गाड़ियों के लंबे काफिलों के साथ मुंगेर पहुंचेंगे और अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। गाड़ियों का काफिला कितना लंबा होगा यह तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि हजारों गाड़ियों की संख्या भी हो सकती है। तो जाहिर है कि अनंत सिंह पूरे लौ लश्कर के साथ मुंगेर पहुंचने वाले हैं और चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। आज अनंत सिंह पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा गए और जीत का आशीर्वाद मांगा। गुरुद्वारा पहुंचे अनंत सिंह ने कहा कि कांग्रेस से उनकी टिकट फाइनल है, कांग्रेस के टिकट पर ही मुंगेर का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और जनता से वोट मांगूंगा। आम लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का वादा करूंगा। कांग्रेस से इलेक्शन लड़ेंगे, जनता जाके कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, हम काम करेंगे, हर दम आपको खड़ा मिलेंगे। क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा काम करेंगे, मुद्दा हम कुछ नहीं है। नीतीश के भगाइए। किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? वहाँ तो ललन सिंह लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे हम नाम नहीं जान रहे, तो जो लड़ेंगे हम कासम लड़ेंगे। राजनीतिक हलचल में इतना ही। और अपडेट्स के लिए देखते रहे और पढ़ते रहे सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।